सब्सक्राइब करो ऑटोमेशन विद आशीष चैनल को लेटेस्ट ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मस्त। आज मैं आपके लिए लाया हूँ होम ऑटोमेशन का एक बेस्ट प्रोडक्ट। ये है 4+1 रिमोट कंट्रोल यूनिट फॉर 4 लाइट्स एंड 1 फैन। दोस्तों, रिसेंट पोल में हमने आपसे पूछा था कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करोगे, तो बहुत सारे लोगों ने होम ऑटोमेशन को पोल दिया है। सो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बना ही देता हूँ। इस रिमोट के हेल्प से आप आपके घर के 4 लाइट्स और 1 फैन को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक से मैंने ये प्रोडक्ट परचेस किया है, आपको परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रिमोट कंट्रोल से जैसे दोस्तों हम टीवी या एसी को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही आप घर की लाइट्स एंड फैन भी कंट्रोल होंगे। इसके पहले मैंने सिर्फ 4 लाइट वाले RF रिमोट कंट्रोलर पर वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। रिमोट कंट्रोल दोस्तों अब इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आज की जरूरत भी है और इसे बूढ़े दादा दादी को भी अप्लायंसेस कंट्रोल करने में आसानी होती है। छोटे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, गैराजेस में भी इसका प्राइम यूज है। तो आज मैं इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग, रिव्यू, 4 लाइट्स और फैन के साथ इसे आपको कैसे कनेक्ट करना है वो बताने वाला हूँ। आपके मोबाइल के रिमोट का लाल सब्सक्राइब बटन दबा दो, तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है हमें। ये मेन यूनिट है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलेगा दोस्तों, और बॉक्स में है एक 18 मंथ्स का वारंटी कार्ड। 1.5 साल की वारंटी है इसकी, लेकिन आपको पढ़ लेना है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स वगैरह के अगेंस्ट है या नहीं है। इसके पीछे वायरिंग डायग्राम प्रिंटेड है, जहां इसकी 3 लाइट्स और 1 फैन की वायरिंग डायग्राम दी है। बट दोस्तों, ये वाला जो मॉड्यूल है वो 4 लाइट और 1 फैन वाला है। अब मेन यूनिट्स को निकाल लेते हैं। ये है दोस्तों रिसीवर यूनिट, यहाँ ग्रीन पावर LED इंडिकेटर है, कंपनी की ब्रांडिंग है ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक। इसका मटेरियल दोस्तों ABS प्लास्टिक है, छोटा यूनिट है गाइस, और ये आपके स्विच बोर्ड या मॉड्यूलर बॉक्स में आसानी से फिट हो सकता है। इसे फिट करने के लिए यहाँ 2 होल्स भी दिए हुए हैं, जहाँ आप इसे स्क्रू से फिट कर सकते हो। वायर्स की डिटेल हम थोड़ी देर में देखते हैं, अभी रिमोट को देख लेते हैं। इसका भी जो मटेरियल है वो ABS प्लास्टिक ही है। ये बिल्कुल दोस्तों AC या TV के रिमोट जैसा ही लग रहा है। बटन्स को देखें तो यहाँ ऑफ बटन है, सो ये बटन प्रेस करके आप इस पर कनेक्टेड सारे लोड्स ऑफ कर सकते हो एट अ टाइम। इट्स लाइक अ मास्टर ऑफ बटन। यहाँ है L1, L2, L3, L4 जो 4 लाइट्स ऑन ऑफ बटन है, और ये है फैन का ऑन ऑफ बटन। इसके ही ऊपर है 2 रेगुलेटर के बटन, जहाँ डाउन एरो मतलब लो स्पीड और अप एरो मतलब हायर स्पीड, सो इट विल एक्ट लाइक अ फैन रेगुलेटर। दोस्तों, ये IR रिमोट कंट्रोलर है, तो आप देख सकते हो यहाँ IR LED है जो इंफ्रारेड लाइट ट्रांसमिट करती है, और रिसीवर की साइड में T-SOP लगा है। और हमने सेंसर वाली वीडियो में पहले ही देखा था कि T-SOP का जो रेंज है वो काफी अच्छा होता है। 13 मीटर की इसकी रेंज है, विच इज सफिशियंट फॉर 1 BHK, 2 BHK और इवन होटल्स। सो दूसरे रूम से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। रिमोट में दोस्तों 2 AAA बैटरीज लगती है, जो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। You can see this IR LED transmitting the signals. IR rays हमें आँखों से नहीं दिखता है, सिर्फ कैमरा पे दिखता है। आँखों पे चश्मा नहीं, you can see नहीं, क्या चश्मा ला मेरा। दोस्तों, रिसीवर यूनिट को आप क्लोजली देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है T-SOP रिसीवर जो अभी हमने डिस्कस किया। रिमोट से ट्रांसमिट की जाने वाली सारी सिग्नल्स को ये रिसीव करता है, और इन वायर्स में से दोस्तों जो ये रेड एंड ब्लैक वायर है वो है पावर सप्लाई इनपुट की, जहाँ रेड है फेज और ब्लैक है न्यूट्रल। ध्यान रखना है इस पूरे यूनिट में एक ही न्यूट्रल है, और इन 5 वायर्स में से 4 येलो वायर्स है 4 लाइट बल्ब्स के लिए, और ये ब्लू वायर है फैन को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ आपको एक ही न्यूट्रल वायर मिलती है, सो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। लोड की बात करें तो इस पर आप 300 वॉट के लोड लगा सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 4 लाइट बल्ब से इसे कनेक्ट करके ऑपरेट करके बताने वाला हूँ। कनेक्ट करने के लिए मैं इस कनेक्टर का यूज करूंगा। सबसे पहले एक साइड पर रिसीवर की सारी वायर्स मैं कनेक्ट कर दूंगा, इंक्लूडिंग फैन वायर, क्योंकि फैन वायर अगर मैंने ओपन रखी तो एक्सीडेंटली मुझे शॉक लग सकता है। वैसे शॉक से याद आया, मैंने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पर रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। वायर कनेक्ट कर ली है मैंने, अब 4 बल्ब होल्डर्स को मैं लेता हूँ और सबकी कॉमन न्यूट्रल बना लेता हूँ।
इसे डाला ब्लैक वायर वाले टर्मिनल पर। दोस्तों लगे हाथ पावर इनपुट की भी फेज और न्यूट्रल लगा देता हूं। न्यूट्रल कर दी कॉमन, फेज लगाई रेड वायर वाले टर्मिनल पर। अब एक एक करके चारों बल्ब्स की रेड वायर येलो वायर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करनी है। कंप्लीट। अब टेस्ट करते हैं। परफेक्ट दोस्तों, मैंने इसे काफी बार टेस्ट किया है और रेंज सच में इसकी 13 से 15 मीटर की है। टीसॉब होने की वजह से रात और दिन दोनों टाइम अच्छी रेंज प्रोवाइड करता है। ये था इसका लाइट बल्ब के साथ का कनेक्शन। Now let's connect it to fan। दोस्तों मैं इस बार मेन पावर से इसे कनेक्ट करूंगा। लास्ट बार एक वीडियो में मैंने फैन के कनेक्शन निकाल कर उस पर कनेक्ट किया था, मगर आज थोड़ा अलग स्टाइल से मैं कनेक्ट करने वाला हूं, क्योंकि ये बाबूराव का स्टाइल है। आपको दोस्तों ये स्विच बोर्ड में ही कनेक्ट करना पड़ेगा और याद रखना कि ये जो टीसॉप वाला रिसीवर है उसे स्विच बोर्ड के बाहर निकालना है, वरना ये रेंज अच्छी प्रोवाइड नहीं करेगा। मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। इसकी वायरिंग डायग्राम सिंपल है। अमेजिंग गाइज। दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, और अगर आप इसे बल्क क्वांटिटी में चाहते हो तो ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक, उनका भी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इस प्रोडक्ट को खरीद कर रीसेल करके अच्छे खासे पैसे और रिटर्न्स कमा सकते हो। ऐसे ही होम ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पर्सनल इंक्वायरी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें डीएम कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सवाल, डाउट्स या सुझाव हमें कमेंट्स करें, हम पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।